हेलो स्टूडेंट्स ऑफ सिक्स्थ स्टैंडर्ड, सिविक्स का फर्स्ट लेसन आज हम स्टार्ट करेंगे। इसे स्टार्ट करने के पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे बहुत सारे बच्चों का फ़ायदा हो सके। ये देखिए, हमारा सिविक्स का फर्स्ट लेसन है अवर लाइफ इन सोसाइटी। तो हमारा जो समाज में हमारा जीवन किस तरह है उस पर यह लेसन है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हम क्या क्या देखेंगे, तो फर्स्ट हम देखेंगे व्हाई डिड मैन फील द नीड फॉर सोसाइटी। मतलब इंसान को या फिर हम मैन को सोसाइटी की ज़रूरत क्यों पड़ी। फिर द सोशल नेचर ऑफ मैन, मतलब सोशल नेचर मैन के मैन का कैसा था उस बारे में हम देखेंगे। अवर डेवलपमेंट, हमारा जो विकास हुआ उसके बारे में। और व्हाट इज़ सोसाइटी, और समाज क्या है। तो ह्यूमन बीइंग यानी हमें सोसाइटी की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये हम सबसे पहले देखेंगे। देखिए, इन द फिफ्थ स्टैंडर्ड यू हैव लर्नड अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ मैन। हमने फिफ्थ स्टैंडर्ड में देखा कि मैन ने किस तरह से प्रगति की है ना। इट टेल्स अस दैट आवर प्रेजेंट सोशल लाइफ हैज़ टेकन शेप थ्रू अ प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। मतलब शुरुआती जीवन हमारा जो था ह्यूमन बीइंग का, शुरुआत का जो जीवन, किस जीवन क्रम किस तरह से शुरू हुआ है। तो इस इवोल्यूशन को प्रोसेस में आने के लिए ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगे, हजारों साल लगे। मैन हैज़ मूव फ्रॉम नोमैडिक स्टेज टू अ सेटल सोशल लाइफ। पहले जो मैन था वो इधर उधर भटक रहा था, नोमैडिक स्टेज थी उसकी, इधर उधर भटक के अपना जीवन बिता रहा था। और फिर धीरे धीरे वह सोशल लाइफ की तरफ आया। ये देखिए, इस पिक्चर में हमें दिख रहा है ना किस तरह से उसने प्रोग्रेस की। पहले तो वो नोमैडिक स्टेज में था, किस तरह से उसने धीरे धीरे पत्थर से हथियार बनाए, फिर धीरे धीरे वो सेटल लाइफ की तरफ, और आज का हमारा ह्यूमन बीइंग। इस तरह से थ्री स्टेजेस हम डेवलपमेंट के देख रहे हैं, है ना। अब यहाँ हम देखेंगे व्हाई डिड मैन फील द नीड फॉर सोसाइटी। अ स्टेबल एंड सिक्योर कम्युनिटी लाइफ इज़ नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल एज वेल एज सोसाइटी। अब कोई भी एक पर्सन हो या फिर सोसाइटी हो, उसे अच्छी तरह से सिक्योर लाइफ मिलेगी और कम्युनिटी लाइफ अच्छी रहेगी तो ही वह डेवलपमेंट कर सकता है। इसलिए अच्छे डेवलपमेंट के लिए लाइफ सिक्योर होना बहुत ज़रूरी है। इन द नोमैडिक स्टेज मैन डिड नॉट हैव दिस स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। अब जब वो नोमैडिक स्टेज में था, इधर उधर भटक रहा था, ऐसे समय में न तो वो स्टेबल था, एक जगह रह नहीं पा रहा था, और ना ही उसे किसी तरह की सुरक्षा थी। When man was realized that living in a group provides security, people came together to develop an organized way of life. पर जैसे जैसे मैन को यह रियलाइज़ हुआ, ऐसा पता लगा कि जब हम अगर ग्रुप में रहेंगे तो उससे हमें एक दूसरे की सुरक्षा कर पाते हैं, हमें भी सुरक्षा मिलती है, और एक साथ रहने से हम बहुत सारा कुछ काम का विकास कर सकते हैं। दिस वॉज वन ऑफ द मेन मोटिवेशन फॉर क्रिएशन ऑफ सोसाइटी। और यही पहला एक मोटिवेशन था, मेन मोटिवेशन था जिससे कि सोसाइटी बनी, समाज बना। लिविंग इन सोसाइटी मैन फेल्ट द नीड फॉर रूल्स टू हेल्प विद द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ डे टू डे मैटर्स। और जिस तरह से वो सोसाइटी में रहा तो उसकी वजह से उसका रोज का जो काम था वो भी आराम से स्मूथली होने लगा। इट गिव राइज टू कन्वेंशंस, ट्रेडिशंस, एथिक्स एंड वैल्यूज, रूल्स एंड लॉज। और धीरे धीरे उसकी लाइफ में ट्रेडिशंस आए, एथिक्स, बहुत सारे मूल्य उसने सीखे, वैल्यूज सीखी, रूल्स सीखे, और एक दूसरे के मतलब रूल्स और लॉज में रहना उसने सीख लिया। मैंस लाइफ इन सोसाइटी बिकेम मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड स्टेबल। और इस तरह से धीरे धीरे मैन की जो लाइफ थी वह ऑर्गेनाइज हो गई और स्टेबल हो गई। फिर सेकेंड हम देखते हैं द सोशल नेचर ऑफ मैन। हमें यह पता है कि मैन इज़ अ सोशल पर्सन, मतलब मैन जो है इज सोशल बाय नेचर, उसका जो नेचर है वह बहुत सोशल है। वी ऑल बेसिकली लाइक्स टू लिव विथ वन अनदर। हम अकेले नहीं रह सकते, है ना। कहीं अगर जंगल में हमें अकेले रहना पड़े तो हम लोग अपने आप को बहुत इनसिक्योर फील करते हैं, और हमारे जो इमोशंस हैं वह भी बहुत कैसे हो जाते हैं कि हमें किसी की ज़रूरत लगने लगती है। इसलिए बाय नेचर ही हम ह्यूमन बीइंग क्या हैं, सोशल हैं। We all basically like to live with one another। हमें एक दूसरे के साथ में रहना बहुत अच्छा लगता है, हम लोग
ग्रुप में या सोसाइटी में रहना पसंद करते हैं। इन ईच अदर्स कंपनी एंड विद पीपल अराउंड अस, हमें हमारे ही जो भी कंपनी के जो लोग हैं, हमारे अपनी फैमिलीज़ के लोग ही अच्छे लगते हैं, उनके साथ रहना में अच्छा लगता है। लिविंग विद पीपल नॉट ओनली मेक अस हैप्पी, इट इज़ ऑल्सो आर नीड। तो लोगों के साथ रहना ही हमारा हैप्पीनेस है या हमारा आनंद है, जिसे हम हर्ष है वो बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन ये हमारी ज़रूरत भी है। वी हैव मैनी नीड्स, हमारी बहुत सारी ज़रूरतें हैं, फूड है, शेल्टर है, क्लोथिंग आर अवर फिज़िकल नीड्स, इस तरह से खाना है, कपड़ा है, मकान, ये हमारी फिज़िकल ज़रूरतें हैं। वंस दीज आर सेटिस्फाइड मैन गेट्स अ सेंस ऑफ स्टेबिलिटी, और अगर ये उसकी ये ज़रूरतें पूरी हो जाती है तो वह फिर स्टेबल हो जाता है। बट दैट इज़ नॉट इनफ, लेकिन यही सफिशियंट नहीं है। वी ऑल्सो हैव सम इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स, और हमारी कुछ भावनाओं से यानी इमोशन से भी कुछ जुड़ा रहता है, और हमारी साइकोलॉजी से भी हमारी कुछ ज़रूरतें जुड़ी हुई रहती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, टू फील सिक्योर इज़ एन इमोशनल नीड, कि जैसे हम लोग सिक्योर फील करते हैं ना, यह हमारी इमोशनल नीड है। व्हेन वी आर हैप्पी वी विश टू शेयर आवर हैप्पीनेस विद अदर्स, अगर हम बहुत खुश होते हैं तो हम अपना हैप्पीनेस सबके साथ बांटना चाहते हैं, और ख़ासकर ऐसे लोगों से जिन्हें हम बहुत पसंद करते हैं। सिमिलरली, व्हेन वी आर सैड वी विश टू हैव समबडी विद अस, और जब हम दुखी होते हैं तो हमें लगता है कि कोई ना कोई हमारे साथ में होना चाहिए। वी लाइक टू कंपेनियनशिप ऑफ आवर फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, और हमें हमारी फैमिली के मेम्बर्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड्स लोगों के साथ रहना, उनकी कंपनी हमें अच्छी लगती है। दीज फीलिंग्स रिफ्लेक्ट अवर सोशल नेचर, और हमारी यही फीलिंग हमारा सोशल नेचर दर्शाती है। देखिए यहाँ पर, यू हैव गॉट द फर्स्ट प्राइज़ इन अ ड्राइंग कॉम्पिटिशन, सपोज आपको ड्राइंग कॉम्पिटिशन में फर्स्ट प्राइज़ मिला है, विल यू कीप इट टू योर सेल्फ और शो इट टू योर फ्रेंड्स, तो ऐसी खुशी अपने तक ही रखना चाहोगे या फिर सब में बांटना चाहोगे? हाउ डू यू एक्सपेक्ट देम टू रिस्पॉन्ड, और अगर आप किसी के साथ बांटोगे तो आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करोगे? व्हाट वर योर फीलिंग आफ्टर देयर रिस्पॉन्स, और अगर उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया तो तुम्हारे उसके बारे में क्या फीलिंग रहेगी? Felt very happy about appreciation, अगर उसने आपको appreciate किया, प्रशंसा की, तो आप happy होगे। Felt motivated to draw good pictures, और तुम बहुत अच्छी तरह से motivated हो जाओगे कि नहीं, मुझे और भी अच्छा करना चाहिए क्योंकि मुझे appreciation मिल रहा है, प्रशंसा मिल रही है। तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि हमारी social life कैसी है। You know that food, क्लोथ, शेल्टर, एजुकेशन एंड हेल्थ आर आवर बेसिक नीड्स, हमें पता है कि हमारा जो फूड है, क्लोथ और शेल्टर और एजुकेशन, हेल्थ जो है, ये हमारी बेसिक नीड्स हैं। ड्यू टू द लेबर एंड स्किल्स ऑफ पीपल इन द सोसाइटी, अ वेराइटी ऑफ आर्टिकल्स आर प्रोड्यूस्ड। सो बहुत सारे, अगर हमारे में हम अगर हमारे समाज में देखते हैं, सोसाइटी में देखते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे स्किल वाले लोग भी रहते हैं, बहुत कठिन परिश्रम करने वाले लोग भी रहते हैं, जिससे कि अलग अलग तरीके के आर्टिकल्स भी प्रोड्यूस होते हैं, मतलब अलग अलग चीज़ें भी प्रोड्यूस होती हैं। एजुकेशन एंड हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज एंड फैसिलिटीज़ अलाउ अस टू लिव विद द डिग्निटी, और अगर हम अच्छा एजुकेशन लेते हैं, हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज हमारे पास अगर हों, तो हम बहुत अच्छी डिग्निटी के साथ रहते हैं। All this is made available in society, और ये सब हमें सोसाइटी में देखने को मिलता है। A variety of industries and occupations help to fulfill our needs, इसी तरह से अगर कोई किसी तरह का occupation है, व्यवसाय है, किसी तरह की factories है, industries हैं, तो वह भी हमारी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए sufficient होती हैं। For example, we need books for studying and paper for books, that is why occupations like manufacturing paper, प्रिंटिंग, बुक बाइंडिंग एट्सेट्रा ऑल्सो डिवेलप्ड। अगर देखिए, हमें पढ़ने लिखने के लिए बुक्स की ज़रूरत है, तो बुक्स के लिए पेपर की इंडस्ट्री होगी, फिर प्रिंटिंग प्रेस होगी, फिर उसके बाद है बाइंडिंग होगी। इस तरह से अलग अलग व्यवसाय भी क्या होते हैं, विकसित होते हैं। मैनी पीपल कंट्रीब्यूट टू दिस प्रोसेस, और ऐसे काम करने में बहुत सारे लोग लग जाते हैं। दस द वैरायटी ऑफ ऑक्यूपेशंस इन द सोसाइटी हेल्प अस इन फुलफिलिंग अवर नीड्स, और इस तरह से जब बहुत सारे लोग अपनी अपनी स्किल से काम करना शुरू कर देते हैं, तो इस तरह से सोसाइटी को हेल्प भी मिलती है और उनकी जो ज़रूरतें हैं वह पूरी होती हैं। जैसे हमारी बुक की ज़रूरत इन सब प्रोसेस से दूर हुई है ना, पूरी हुई।
दिस ऑल्सो लीड्स टू द डिवेलपमेंट ऑफ अवर स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज़, और इसकी वजह से हम अपनी भी स्किल और कैपेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं. अवर बेसिक नीड्स आर फुलफिल्ड इन सोसाइटी. वी डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर अवर इमोशनल नीड्स सच एज सिक्योरिटी, अप्रिसिएशन, प्रेज एंड सपोर्ट एट्सेट्रा. और इसी तरह हमारी जब बेसिक नीड्स फुलफिल हो जाती हैं तो हम दूसरों पर डिपेंड रहते हैं अपने इमोशनल नीड्स के लिए, जैसे सिक्योरिटी है, अप्रिसिएशन है, प्रेज है, प्रशंसा है, और सपोर्ट के लिए. दस अवर लाइफ इन सोसाइटी इज़ इंटरडिपेंडेंट. इस तरह से हमारी जो सोशल लाइफ है वह इंटरडिपेंडेंट बन जाती है. अब यहाँ हम देखेंगे अवर डिवेलपमेंट, हमारा विकास किस तरह होता है. एवरी पर्सन इज़ बॉर्न विद सम क्वालिटीज एंड कैपेबिलिटीज. हर एक पर्सन में कुछ ना कुछ करने की काबिलियत होती है, बट दे आर डोमेंट, दे डिवेलप इन अ सोसाइटी. लेकिन वह सब जो भी उसका कैपेबिलिटी क्वालिटी है वो कहाँ डिवेलप होती है, सोसाइटी में. वी यूज़ लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विथ वन अनदर, बट वी कैन नॉट डू सो एट बर्थ. देखिए हमारे हम क्या करते हैं, लैंग्वेज यूज़ करते हैं, भाषा का यूज़ करते हैं एक दूसरे की बातों को जानने के लिए, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए. लेकिन हम बाय बर्थ ये सब नहीं करते हैं. जैसे ही हम लोग हमारा जन्म होता है वैसे ही हम बोलने नहीं लगते हैं. वी लर्न लैंग्वेजेस ग्रेजुअली. हम जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारी लैंग्वेज हम सीखना शुरू करते हैं. अवर फर्स्ट लैंग्वेज इज़ द वन दैट इज़ स्पोकन एट होम. इस तरह से हम सबसे पहली लैंग्वेज कौन सी बोलते हैं, जो हमारे घर में हम सुनते हैं. इफ आवर नेबर्स स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस वी पिक अप दोज टू. और अगर हमारे पड़ोसी कोई और भाषा बोल रहे हों तो हम उसे भी सीखना शुरू कर देते हैं. स्कूल्स ऑल्सो प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू लर्न डिफरेंट लैंग्वेजेस. इस तरह अगर हम स्कूल में जाते हैं तो हमें अलग अलग भाषा के बच्चे मिलते हैं, उनके साथ मिलकर हम भाषाएँ सीखते हैं. इस तरह स्कूल भी हमें अलग अलग भाषाएँ सिखाने में बहुत बड़ा काम करते हैं. वी ऑल्सो हैव द कैपेसिटी टू थिंक इंडिपेंडेंटली. हमें हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी है कि हम स्वतंत्रता से सोच सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वैन ऑल द स्टूडेंट्स इन अ क्लास आर गिवन द सेम टॉपिक फॉर एन एसे, वाई इज़ इट दैट नो टू एसेज आर सेम. अगर हमें क्लास में एक टॉपिक दिया टीचर ने कि आप निबंध लिखिए या एसे लिखिए, और कोई भी एक सब्जेक्ट दिया, सपोज़ माय मदर दिया, तो हम सब अलग अलग लिखेंगे माय मदर पर एसे, तो हम अपनी अपनी जो थिंकिंग है उस पर लिखेंगे. तो हमारे जो सबके एसेज रहेंगे वो एकदम सेम नहीं होंगे. क्यों? क्योंकि हमारी थिंकिंग अलग अलग है. इट इज़ बिकॉज द थॉट प्रोसेस इन ईच इज़ डिफरेंट. क्योंकि हमारी सोचने की जो क्षमता है सब में अलग अलग है, अलग अलग है. सोसाइटी हेल्प्स इन डिवेलपमेंट ऑफ अवर इमोशनल कैपेबिलिटीज़ एंड द पावर टू थिंक. और सोसाइटी हमें मदद करती है किस बारे में, हमारी इमोशनल कैपेबिलिटीज़ को पहचानने में, उसका विकास करने में, और हमारे सोचने का के पावर का विकास करने में. इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सप्रेसिंग अवर थाट्स एंड फीलिंग्स. और इसी सोसाइटी में ही हमको अपॉर्चुनिटी मिलती है, हमें मौका मिलता है अपने थाट्स और फीलिंग को एक्सप्रेस करने का, बताने का. The development of our artistic and other talents also take place in society. इसी समाज में ही हम हमारी बहुत सारी artistic चीज़ों, हमारे जो talent हैं उन सभी को दिखा पाते हैं. Singers, musicians, artists, scientists, adventurers, social workers can all develop their qualities further because of the backing and encouragement of the society. अभी देखिए हमारे समाज में या society में आज हम बहुत अच्छे अच्छे singers देखते हैं, musician देखते हैं, artist हैं, scientist हैं, adventurers हैं, social workers हैं, सभी हम देखते हैं. क्यों देखते हैं? क्योंकि इन सब के अंदर जो टैलेंट रहता है वह इसी सोसाइटी के एनकरेजमेंट की वजह से आता है. दिस एनकरेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और यह एनकरेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है. नाउ वॉट इज़ मीन बाय सोसाइटी. अब सोसाइटी का मतलब क्या है? सोसाइटी इंक्लूड्स ऑल पीपल. सोसाइटी में सभी तरह के लोग आते हैं, मैन, वुमेन, ग्रोन अप, ओल्ड पीपल, यंग चिल्ड्रन, मतलब बड़े बूढ़े, मैन, वुमेन, और जो छोटे बच्चे हैं वह भी आते हैं. अवर फैमिलीज आर अ पार्ट ऑफ सोसाइटी. हमारा जो परिवार है वह सोसाइटी का ही एक भाग होता है. सोसाइटी ऑल्सो इंक्लूड्स डिफरेंट ग्रुप्स, इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस. इसी तरह सोसाइटी में अलग अलग तरह के समूह, अलग अलग तरह के इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस भी आते हैं. द इंटर रिलेशनशिप्स एंड इंटर कनेक्शंस, इंटर एक्शंस बिटवीन द पीपल, देयर डिपेंडेंस ऑन वन अनदर एंड शेयरिंग ऑल्सो फॉर्म अ पार्ट ऑफ सोसाइटी. तो इस तरह से एक इंटर रिलेशनशिप बन जाता है इन सब सोसाइटी के लोगों में, चाहे वह किसी इंस्टीट्यूशन से हों,
किसी ग्रुप से हों या फिर वो किसी ऑर्गेनाइजेशन से हों। सोसाइटी इज़ नॉट सिंपली अ मॉब और क्राउड ऑफ पीपल, मतलब सोसाइटी का मतलब सिर्फ एक भीड़ नहीं है, एक समूह नहीं है लोगों का, बट अ सोसाइटी इज़ फॉर्म व्हेन पीपल कम टुगेदर टू अचीव सर्टन कॉमन ऑब्जेक्टिव्स। लेकिन समाज का या सोसाइटी का मतलब भी यही है कि जब बहुत सारे लोग एक साथ आते हैं कुछ कॉमन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए। In order to fulfill needs like food, clothing, shelter and security, the society has to create a permanent system. तो खाली जो भी objectives हैं, main objectives हैं, जैसे food, clothing, shelter ही ले लो, security ही ले लो, तो यह भी सब मिलकर एक साथ attend करते हैं, मिलाते हैं। Without such a system, the day-to-day affairs of दी सोसाइटी कैन नॉट बी कैरिड ऑन। अगर हम देखें कि ऐसा अगर कोई सिस्टम नहीं रहा तो हमारा जो रोज़मर्रा का जीवन है वह अच्छी तरह से नहीं चलेगा। अ सिस्टम इज़ एसेंशियल फॉर कंटिन्यूड एक्सिस्टेंस ऑफ द सोसाइटी, इसलिए सोसाइटी को अच्छी तरह से चलाने के लिए एक सिस्टम की ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एग्रीकल्चर इज़ एसेंशियल टू फुलफिल द नीड फॉर फूड, जैसे हम देखते हैं कि खेती करना यह हमारा एक बहुत बेसिक नीड है क्योंकि उससे हमको फूड मिलता है। Various institutions must be created to perform all the functions related to agriculture. और agriculture से संबंधित बहुत सारे institutions भी रहेंगे, होना चाहिए जो कि यह बहुत सारे अलग अलग काम कर सकें। Therefore, a vast system needs to be created which includes factories to manufacture tools and equipments used for farming, banks to provide loans to the farmers, a market for the गुड प्रोड्यूस्ड एट्सेट्रा। अभी देखिए अगर खेती करना है तो फार्मर्स लोगों के लिए बहुत सारी औज़ारों की ज़रूरत होगी, तो खेती के औज़ार बनाने के लिए अलग अलग इंडस्ट्रीज़ काम करेंगी, है ना, और इंडस्ट्रीज से टूल्स इक्विपमेंट्स लेकर फार्मर खेती करेगा। लेकिन खेती करने के लिए अगर इन औज़ारों को ख़रीदना है, बीज लेना है, सीड्स की ज़रूरत है, तो वह कौन पूरा करेगा, बैंक पूरा करेगा। तो इस तरह से एक सिस्टम है जो काम करता है तब जाके हमारी ये नीड जो है वह पूरी होती है। द एग्जिस्टेंस ऑफ मैनी सच सिस्टम्स मेक अ सोसाइटी, और इस तरह का जो एग्जिस्टेंस होना इस बहुत सारे अच्छी बातों का, उसकी वजह से एक सिस्टम बनता है और हमारी सोसाइटी स्टेबल होती है। इन द नेक्स्ट चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट द डाइवर्सिटी इन इंडियन सोसाइटी, और अगले चैप्टर में हम इंडियन सोसाइटी में किस तरह से विविधता है यह अब हम देखेंगे। अभी डू यू नो में हमें क्या दिया है हम देखेंगे। ऑल ह्यूमन बींग्स आर इक्वल बाय बर्थ, हर एक ह्यूमन बींग बर्थ से ही इक्वल होता है, एक समान होता है। दे हैव द सेम स्टेटस एज ह्यूमन बींग, उन्हें हर एक को स्टेटस मिलता है ह्यूमन बींग। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, कानून के आगे हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में सभी एक हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज़ द इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये गारंटी देता है कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। वी कैन ईच मेक प्रोग्रेस यूजिंग अवर एजुकेशन कैपेबिलिटीज़ एंड स्किल्स, और हम आगे प्रगति प्रोग्रेस कर सकते हैं एजुकेशन के बल पर, कैपेबिलिटीज़ के बल पर और स्किल्स के, अगर हमारे अंदर स्किल्स हो तो। ये बहुत अच्छा लेसन है, आप इसे फॉलो कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। शिव अनुजा नाम से यह चैनल है, और मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जो भी लेसन्स आप देखते हैं, आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ आप इन्हें लाइक कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे बहुत सारे बच्चों का फ़ायदा हो। नेक्स्ट जो रहेगा वीडियो उसमें मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स दूंगी, ठीक है, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स ऑफ सिक्स्थ स्टैंडर्ड, सिविक्स का फर्स्ट लेसन जो है आवर लाइफ इन सोसाइटी, इसके क्वेश्चन आंसर्स देखिए। क्वेश्चन फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स का है, करेक्ट ऑब्जेक्टिव्स है जिन्हें आप चूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट मैंने दिया इधर, मैन फेल्ट द नीड फॉर रूल्स फॉर द डे टू डे अफेयर्स ऑफ सोसाइटी टू रन स्मूथली, फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में मैंने आपको यहाँ पर दिया है। तो फर्स्ट इसमें रूल्स आएगा, सेकंड है डैश हेल्प्स द डिवेलपमेंट ऑफ पीपल्स टैलेंट्स, तो उसमें आएगा सोसाइटी। थर्ड है वी ऑल हैव सम इमोशनल एंड सम डैश नीड्स टू, तो इस डैश में हम क्या फिल करेंगे, साइकोलॉजिकल। नाउ क्वेश्चन सेकेंड है आंसर इन वन सेंटेंस, विच आर आर बेसिक नीड्स, आंसर फूड क्लोथिंग शेल्टर हेल्थ एंड एजुकेशन आर आर बेसिक नीड्स। सेकेंड है हुज कंपनी डू वी लाइक,
Answer, we like company of our family members, relatives and friends. Third है, what opportunities does society provide us with? Answer, society provides us opportunities to develop our thinking and emotional capabilities, express our thoughts and emotions and develop artistic skills. Next question है, question third, what do you think? Answer in two or three sentences. First, how is a society formed? Answer, a stable and secure community life is necessary for the development of the individual as well as society. In the nomadic stage, men did not have this stability and security. Men realized that our orderly conduct of affairs of the society, there was need for regulation. Thereby, society came into existence for fulfilling certain common objectives. Second, why is it necessary to set up a permanent system in society? Answer, for fulfilling the basic needs of the people, it is necessary to set up a permanent system in the society. The very existence of the society depends on setting up permanent system. Next, what makes life in society more stable and organized? Answer, there are some factors that make social life more stable and organized. A, fulfillment of basic needs such as food, clothing and shelter. B, proper security arrangement. C, opportunities for each individuals for their skills. D, regulation in the form of customs, traditions, norms and laws. And next, mutual dependence among different sections of society. E jo hai, mutual dependence among different sections of society. So these are your question answers.